तो हेलो नहीं नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए ब्रांड न्यू फ्रेश वीडियो कंपैरिजन वीडियो में। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मोबाइल कंपैरिजन में कौन सी है। अगर आपने थंबनेल को अच्छे से नहीं देखा होगा तो ये तो हमारा चैनल का फर्स्ट कंपैरिजन वीडियो होने वाला है, तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाना। अब बात करते हैं दो मोबाइल्स जो हमारे सबसे पहले कंपैरिजन वीडियो में आए हैं। उसका नाम है लावा अग्नि 5G वर्सेस पोको M4 प्रो 5G। तो दोनों 5G मोबाइल है, तो इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये आई एम सुपर एक्साइटेड कि भाई दोनों में से कौन जीतेगा। एज अ इंडियन आई विल सपोर्ट लावा अग्नि, बट एज अ यूट्यूबर, एज अ टेक, तो मैं आपको सही चीज़ बताऊंगा। और अभी मैं एज अ इंडियन नहीं हूँ, एज अ यूट्यूबर आपको ये मोबाइल को रिकमेंड करूँगा। तो देखते हैं कौन जीतता है। मैं तो चाहूँगा लावा अग्नि जीते, मगर देखते हैं कौन जीतता है। अगर लावा अग्नि में अगर उतना रुतबा है तो वही जीतेगी, वरना पोको M4 तो है ही। मगर मैं तो चाहूँगा कि भाई लावा अग्नि जीते। तो अब वीडियो को स्टार्ट तो करना पड़ेगा, तो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ और मिलते हैं आपको वीडियो में। के बाद आपका ये वीडियो में स्वागत है। अब बात कर लेते हैं इसमें से कौन सा अच्छा है, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा उसके स्पेसिफिकेशन। तो पहले हम जाएंगे प्रोसेसर में। तो प्रोसेसर आपका लावा अग्नि में जड़ा हुआ है, जड़ा ही बोलेंगे ना, या जो बोल सकते हैं। तो इसमें लगा हुआ है मीडियाटेक डाइमेंसिटी 810 का और 5G का सपोर्ट है। और दूसरी तरफ पोको M4 प्रो 5G में भी वही चिपसेट यूज़ किया गया है, मीडियाटेक डाइमेंसिटी 810, 5G का सपोर्ट इसमें भी मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसके रियर कैमरा की। तो आपको लावा अग्नि में 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा मिल जाता है और दूसरी तरफ आपका पोको M4 प्रो 5G में आपको 50 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा मिल जाता है। और अगर रियर कैमरा की बात करें तो इसमें जो जीतता है वो है लावा अग्नि। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइमरी कैमरा मतलब फ्रंट कैमरा की। तो फ्रंट कैमरा में आपको यहाँ पे मिल जाता है 16 मेगापिक्सल और दूसरी तरफ पोको M4 प्रो में भी 16 मेगापिक्सल मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके रिफ्रेश रेट की। तो रिफ्रेश रेट आपका 90 हर्ट्ज़ का मिल जाता है और पोको M4 प्रो में भी 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। तो इसके मामले में दोनों सेम है। तो लावा अग्नि में भी 90 हर्ट्ज़ का है और इसमें पोको M4 प्रो में भी सेम है। अब बात कर लेते हैं इसके ऑडियो जैक की। तो ऑडियो जैक में आपको 3.5 का mm जैक आपको लावा अग्नि में मिल जाता है और दूसरी तरफ पोको M4 प्रो में भी वही ऑडियो जैक यूज़ किया गया है। अब बात कर लेते हैं इसके बैटरी की। तो बैटरी इसमें 5000 mAh की है लावा अग्नि में और आपका M4 प्रो में भी वही है। अब बात कर लेते हैं इसके चार्जर की। तो चार्जर इसमें आपको लावा अग्नि में 30 वॉट का चार्जर मिल जाता है और दूसरी तरफ आपको M4 प्रो में 33 वॉट का फास्ट चार्जर भी मिल जाता है। और यहाँ पे जो चार्जर के मामले में तो यहाँ पे पोको M4 प्रो जीत जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके OS की, मतलब जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप लोग OS अगर नहीं जानते हो तो OS वो चीज़ होता है जिससे मोबाइल अच्छे तरीके से वर्क कर सके। तो अब बात कर लेते हैं इसके OS की। तो इसमें आपको लावा अग्नि में एंड्रॉयड 11 मिल जाता है स्टॉक एंड्रॉयड के साथ और दूसरी तरफ आपको यहाँ पे पोको M4 प्रो में
एंड्रॉयड 11 MIUI का ही है, मगर यहाँ पे जो इसमें अगर बात करें तो लावा अग्नि जीत जाता है क्योंकि स्टॉक एंड्रॉयड मोबाइल के लिए अच्छा होता है। अब बात कर लेते हैं इसके ग्लास, मतलब अब स्क्रीन का बात कर लेते हैं। तो स्क्रीन में आपको लावा अग्नि में मिल जाता है 6.78 का पंच होल फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले, और दूसरी तरफ आपका पोको M4 प्रो में जो स्क्रीन है वो 6.6 का पंच होल फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले है। और मैं यहाँ पे जो स्क्रीन के मामले में हमारा लावा अग्नि जीत जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोटेक्शन की। तो आपको लावा अग्नि में आपको मिल जाता है गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन, और दूसरी तरफ पोको M4 प्रो में भी वही प्रोटेक्शन लगा हुआ है गोरिल्ला ग्लास 3 का। अब बात कर लेते हैं इसके स्टोरेज की। तो स्टोरेज में आपको मिल जाता है लावा अग्नि में 8 GB रैम प्लस 128 GB स्टोरेज। अब दूसरी तरफ पोको M4 प्रो की भी बात करनी पड़ेगी क्योंकि ये एक मोबाइल का रिव्यू तो है नहीं। तो इसमें आपको मिल जाता है 6 GB रैम प्लस 128 GB स्टोरेज। और यहाँ पे जो अगर स्टोरेज के मामले में अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा लावा अग्नि जीत जाता है। और अगर मैं आपको बताऊं तो लावा अग्नि ये बहुत अच्छा मोबाइल होगा आपके लिए, क्योंकि आपने देखा कि हर जगह से डोमिनेट कर रहा था हमारा लावा अग्नि, चाहे वो स्टोरेज के मामले में चाहे वो कैमरे के मामले में। मगर अगर आपको फास्ट चार्जर में अगर आपको थोड़ा 3 वॉट आपको कम मिल जाता है, और उतना तो भाई हैंडल कर ही सकते हो, और सब में ये जीत जाता है। और ऐसे अगर बोले तो दोनों मोबाइल एक तरह से सेम है, स्टोरेज थोड़ा कम है पोको M4 प्रो में, और इसमें भी बहुत लावा अग्नि में 8 GB रैम प्लस 128 GB स्टोरेज मिल जाता है। तो दोनों मोबाइल 95% एक ही है, मगर 5% अलग है। तो उसी के वजह से हमारा जो आज का जो कंपैरिजन वीडियो का जो विनर है वो है लावा अग्नि, और ये हमारा इंडियन ब्रांड है। और मेरे को खुशी होगी कि आप ये लोगे, मगर ये मैंने ये नहीं किया है कि मैंने आपको शुरुआत ही में बोल दिया था कि मैं ये वीडियो एज अ इंडियन नहीं बना रहा हूँ, एज अ यूट्यूबर बना रहा हूँ आपके लिए। और अगर इसमें अगर ये उल्टा होता, यहाँ पे अगर रैम में अगर 6 GB रैम प्लस 128 GB स्टोरेज अगर हमारे लावा अग्नि में होता, और दूसरी तरफ हमारे जो ये पोको M4 प्रो में 8 GB रैम प्लस 128 GB स्टोरेज अगर मिलता, तो मैं आपको ज़रूर बताता कि पोको M4 प्रो जीत चुका है। मगर मेरे को खुशी होगी कि इंडियन ब्रांड ने ये कंपैरिजन वीडियो जीत ली है। और लावा अग्नि अगर बोले तो कमबैक भी है, मगर ये जो लावा अग्नि है वो पहले बहुत कम मिड रेंज के फ़ोन्स में जाती थी, मगर अब ये हायर प्राइस में जा रही है, और ये बहुत अच्छा टक्कर दे रही है बहुत सारे फ़ोन्स को। और मैं अगर बोलूँ तो ये अभी का सबसे बेस्ट 20,000 मोबाइल्स में आएगा। और पोको M4 प्रो भी ऐसा ख़राब मोबाइल नहीं है, मगर लावा अग्नि से वो टक्कर नहीं ले पाया। मगर ये मैं ज़रूर बोलूँगा कि एक जगह वो ज़रूर जीता, वो है चार्जर के मामले में, क्योंकि यहाँ पे अगर 33 वॉट का फास्ट चार्जर अगर इसमें भी मिलता तो मैं
खुश होता, मगर जो भी दिया भाई बहुत मस्त दिया। लावा ऐसे ही मोबाइल्स लेते आए, क्योंकि हमारे जो ये हम जैसे आप देख सकते हो कि अब माइक्रोमैक्स अपने फ़ोन्स नहीं ला रही है, और मैंने एक्सपेक्ट किया था कि माइक्रोमैक्स एक 5G मोबाइल पहले लाए, क्योंकि किसी को ये अब आता पता तो था नहीं कि हमारा लावा भी ऐसा कमबैक करेगा। तो कमबैक तो बहुत मस्त हुआ है, तो देखते हैं कि ये बरकरार रख पाते हैं या नहीं रख पाते। और आज का जो वीडियो है वो यहीं ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं कोई और नए फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आपको ये वीडियो नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी मार सकते हो, मगर कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्यों अच्छा नहीं लगा। तो मिलते हैं कोई और नए फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। I'm ready, so I'm ready, so I'm ready, so I'm ready.